हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी। इससे पहले हम दो सब्जेक्ट का की एक एक यूनिट कवर कर चुके हैं। हमारा HAP सेकंड हो गया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। इन दोनों की एक एक यूनिट हमने कंप्लीट करा दी है। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का सबसे पहले हम मतलब देख लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी जो वर्ड है वो तीन वर्डों से मिलकर बना होता है। पैथो पैथो मतलब डिजीज, फिजियो मतलब फंक्शंस और लॉजीज मतलब स्टडी। तो हमारी बॉडी में जो भी डिजीज हो रही है उसकी स्टडी, उसके फंक्शंस और उसका ट्रीटमेंट, इन सारी चीज़ों का स्टडी करते हैं तो पैथोफिजियोलॉजी बनता है। और जैसे हमारी कोई बॉडी है, बॉडी में फीवर आया तो फीवर ये क्यों आया है, कैसे आया है और उसका ट्रीटमेंट, ये सारी प्रोसेस जो होती है वो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आती है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लड बैंक में लिखा होता है पैथोलॉजी, तो वहाँ पर सिर्फ पैथोलॉजी आती है, मतलब फिजियो वर्ड वहाँ पर यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि हम कोई भी ब्लड का सैंपल देते हैं तो वहाँ पर सैंपल लेकर के उसके एग्जामिनेशन करते हैं और जो भी हमें प्रॉब्लम्स हो रही है, कोई भी फीवर बन गया है, डेंगू हो गया या मलेरिया हो गया, इनका कोई भी एक फंक्शन दिखाई देता है तो वो हमें उस एग्जामिनेशन के थ्रू पता चल जाता है, तो वो हमारी होती है पैथोलॉजी। और हम यहाँ पर पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। इसमें जो भी डिजीज़ हो रही है उसकी, वो क्यों हो रही है, उसके कॉजेज वो कैसे हो रही है और उसके नुकसान, साइड इफ़ेक्ट और उसके फंक्शन, सारी की हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड पैथोफिजियोलॉजी इज मेड अप ऑफ पैथोलॉगर्स मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ डिजीज और सफरिंग एजेंट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट स्टडी द कॉजेज ऑफ डिजीज एसोसिएटेड चेंज एट डिफरेंट लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गन लाइक सेल टिश्यू ऑर्गन्स रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दैट डिजीज। पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बायोलॉजी एंड फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज एंड कोरिलेशन विद अंडरलाइन एंड फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी का अंदर की डेफिनेशन हो गई। हम आपको बेसिक लेवल की डेफिनेशन दिखाते हैं। ये हमारी है पैथोलॉजी। द वर्ड पैथोलॉजी इज पैथोफिजियोलॉजी इज ड्राइड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। पैथोस मतलब डिजीज एंड लॉजर मतलब स्टडी। पैथोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी इज डिजीज। जो भी बॉडी में डिजीज हो रही है उसमें क्या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस हो रही हैं, उनकी साइंटिफिक स्टडी को ही हम पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। अनदर कॉमनली यूज टर्म विद रिफरेंस टू स्टडी ऑफ डिजीज इज पैथोलॉजी। पैथो डिजीज लॉगर स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस। पैथोलॉजी इंक्लूड स्टडी ऑफ द डिसऑर्डर फंक्शंस। तो पैथोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी है, इसमें कुछ बेसिक टर्म्स भी यूज होते हैं, जैसे हमारा हो गया, इसमें बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं। हमारा डिजीज हो गया, डिजीज वो किस बॉडी जो है वो किस कंडीशन में है, हमारी डिजीज हो गई, ये बेसिक टर्म्स हो गया। दूसरा हमारा इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि इट इज द स्टडी अबाउट दोज फैक्टर्स विच कॉज डिजीज, कि इसमें वो सारे फैक्टर्स को हम पढ़ते हैं जिसके कारण डिजीज हुई है, कॉज डिजीज, जिसके कारण डिजीज हुई है। फिर हम पढ़ते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस पैथोजेंस में क्या आता है कि इसमें जो भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती हैं डिजीज के
होने में, कोई भी डिजीज़ मतलब हुई है तो कौन कौन सी स्टेप, किस मैकेनिज्म के थ्रू ये और किस किस स्टेप से निकलकर वो हमारी डिजीज़ हमारी बॉडी में कॉज हुई है, तो ये सब हम पैथोजेंस के बारे में पढ़ते हैं। चौथा है हमारा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि जो हमारी सेल है उसका स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। फिर हम देखते हैं साइन और सिम्टम्स, हमारी बॉडी में क्या साइन है दिख रहा है, क्या सिम्टम्स दिख रहा है हमें, जो भी डिजीज़ होने के कारण जो भी कॉज हो रहे हैं सिम्टम और साइन, ये तो वो सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये हमारे कुछ थे बेसिक टर्मिनोलॉजी मतलब टर्म्स, ये हमने कुछ पैथोलॉजी के बारे में आप लोगों को बताया है। अब हम इसके देख लेते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल इंजरी एंड अडेप्टेशन। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं होमियोस्टेटिस। होमियोस्टेटिस क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। उसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारी ये बॉडी है, इसके अंदर का एनवायरनमेंट और बाहर का एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, ये होमियोस्टेटिस का काम होता है। होमियोस्टेटिस में जैसे हम आपको बताते हैं एग्जांपल, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हमारे यहाँ अभी गर्मी हो रही है थोड़ी थोड़ी, फरवरी का मौसम है, थोड़ी थोड़ी गर्मी हो रही है और ठंड भी हो रही है, तो हम यहाँ से कहीं कोई ठंडी जगह पर जाते हैं तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट और वहाँ का एनवायरनमेंट में चेंजेस आएगा, वहाँ पर ज़्यादा ठंडी रहेगी और यहाँ पर थोड़ी गर्मी है थोड़ी ठंडी है, तो वहाँ पर हमारी बॉडी को बैलेंस बनाना पड़ेगा, मतलब कि जो अंदर का एनवायरनमेंट और बाहर का एनवायरनमेंट को मेंटेन करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाता है होमियोस्टेटिस। और ये कैसे करते हैं ये सब हम अभी इसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे। द मेंटेन ऑफ होमियोस्टेटिस इज द मेन टारगेट ऑफ द बॉडी। इसका मेन टारगेट जो होता है बॉडी, मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट को और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना। स्पेसिफिक रीजन इन द ब्रेन हेल्प टू रेगुलेट इट्स होम्योस्टेटिक एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। तो जो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये ब्रेन वो हमारा हेल्प करता है कि हमारी बॉडी में, बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट और बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट, अंदर का और बाहर का, इन दोनों से जो ब्रेन है इन दोनों को रेगुलेट करता है। किसके थ्रू करता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर का और बाहर का एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। डिस्टरबेंस ऑफ होम्योस्टेटिक कैन रिजल्ट फ्रॉम एनी इंजरी मॉलिकुलेशन इन्वेशन। तो इसमें क्या होता है, जब होम्योस्टेटिस का डिस्टरबेंस हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तब कोई भी इंजरी कॉज होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये था हमारा होम्योस्टेटिस। आप लोग इसकी डिफिनेशन हमारे कमेंट करके बताइए। अब हम देख लेते हैं इसके कंपोनेंट ऑफ मैकेनिज्म फीडबैक के, कंपोनेंट ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसमें कंपोनेंट जो होते हैं हमारे, मेन थ्री टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। हमारा पहला हो गया रिसेप्टर, दूसरा होता है हमारा कंट्रोल सेंटर और तीसरा होता है हमारा इफेक्टर्स। जो रिसेप्टर होते हैं वो इनपुट देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ये इनपुट देते हैं और यहाँ से जो आउटपुट निकलता है तो इफेक्टर तक जाता है, और इफेक्टर जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी में बॉडी को मेंटेन करता है, मतलब यहाँ पर होम्योस्टेटिस होता है। जैसे हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं कि ये हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में फीवर हुआ है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो जो हमारी जो जब टेम्परेचर इस इंक्रीज होगा तो स्किन भी हीट करने लगेगी, तो ये हमारा हो गया सेंस। तो ये एक तरह से रिसेप्टर का काम करता है, स्किन जब हीट होगी तो यहाँ सेंस जाएगा, सेंस होगा और ये हमारा रिसेप्टर की तरह काम करेगा, तब यहाँ से जो इनपुट देगा ये रिसेप्टर,
तो हमारा जो मैसेज होगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा, मतलब हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस तक जाएगा। जो हाइपोथैलेमस होगा वो हमारे बॉडी को स्टिमुलेट कर देगा, स्टिमुलस, स्टिमुलस कर देगा। स्टिमुलस का मतलब होता है कि जो भी हमारे मैकेनिज्म हो रही है उसको बंद कर देना, जब क्रॉस बंद कर देना, स्टिमुलस कर देता है। तो जो जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो जब स्टिमुलस आएगा तो हम यहाँ से हमारा जो ये स्टिमुलस जो होगा वो हमारे स्वीट ग्लैंड को इंक्रीज कर देगा। स्वीट ग्लैंड को इंक्रीज कर देगा, फिर यहाँ से अब स्वेट निकलेगा और ये हमारी पूरी बॉडी को जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था उसे डिक्रीज कर देगा। ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है ये होम्योस्टेसिस के द्वारा ही होता है, पूरा होम्योस्टेसिस ही यहाँ पर चल रहा है। तो ये जो रिसेप्टर, ये स्किन जो हीट थी ये रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, और जो हाइपोथैलेमस होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है, और जो स्टिमुलस होता है वो इफेक्टर की तरह काम करते हैं। तो यही मेरे तीन कंपोनेंट हो गए हैं फीडबैक के। अब इसमें देख लेते हैं स्टिमुलस डिस्टर्ब। स्टिमुलस जब डिस्टर्ब होगा तो जो भी मैकेनिज्म हो रही है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो वहाँ पर होम्योस्टेसिस होगा, होम्योस्टेसिस बाय मेंटेन्ड सेंट्रल कॉन्क्लेशन, और जो होम्योस्टेसिस के थ्रू जो कंडीशन होगी उसको मेंटेन किया जाएगा। वहाँ पर रिसेप्टर होगा वो इनपुट देगा इम्पल्सिस और केमिकल्स हीट, इनपुट देगा कंट्रोल सेंटर को, और जो कंट्रोल सेंटर होगा वो आउटपुट देगा इफेक्टर को, इफेक्टर जो होंगे पूरी बॉडी में जो भी पहले कंडीशन थी उसको नॉर्मल कर देंगे। ये हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, ये रिसेप्टर है, ये इनपुट देता है, रिसेप्टर इनपुट देने के बाद कंट्रोल सेंटर तक जाते हैं, और कंट्रोल सेंटर जो होगा वो आउटपुट देगा इफेक्टर को, इफेक्टर जो होते हैं वो यहाँ से जा कर के बॉडी में जो भी चेंजेस हुए हैं, डिस्टर्ब हुआ है उसको पूरा फिर से नॉर्मल कर देगा, नॉर्मल कंडीशन में ले आएगा। ये थे हमारे कंपोनेंट होम्योस्टेसिस के। अब हम देख लेते हैं फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम क्या होता है? इफ देयर आर एनी चेंज टेक प्लेस इन इंटरनल एनवायरनमेंट देन फीडबैक सिस्टम इज टेक बैक इनटू इट्स कॉन्स्टेंट स्टेट और इन होम्योस्टेसिस। जो फीडबैक सिस्टम क्या करता है कि जो हमारी बॉडी में जो भी कोई, जैसे हमें फीवर आया इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो इसको मेंटेन करने के लिए तो हम फीडबैक पढ़ते हैं। फीडबैक क्या होता है ये तो हमने पढ़ लिया है कि इंटरनल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हुए हैं उसे फीडबैक के थ्रू हम भी वापस बैक में ले लेते हैं और होम्योस्टेसिस करा देते हैं वहाँ पे, तो वो हमारा जो कंडीशन हुई थी वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी। देयर आर टू टाइप्स, ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव मतलब ये इंक्रीज करेगा, और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम दूसरा है वो हमारा जो भी कंडीशन है उसको डिक्रीज करेगा। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? व्हेन एनीथिंग इज डिक्रीज इन आवर इंटरनल एनवायरनमेंट देन इट इज ट्राई टू बैक इनटू इट्स नॉर्मल सिचुएशन बाय इंक्रीजिंग इट। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो भी डिक्रीज हुआ है इंटरनल एनवायरनमेंट में उसको ट्राई करता है होम्योस्टेसिस के थ्रू कि हमारी जो भी कंडीशन हुई है, डिक्रीज हुई है, उसको इंक्रीज करना बाय द होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस के थ्रू। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वूमेन होती है, लेडी होती है,
चाइल्ड जो होता है उसको बर्थ कराने में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब उस बेबी का बर्थ हो जाता है तब एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है और यूट्रस की मसल्स को जो रिलैक्स हुई थी उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ले आता है। तो ये था हमारा इसका एग्जांपल पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का। और देख लेते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, व्हेन एनीथिंग इंक्रीज इन आवर इंटरनल एनवायरनमेंट या बॉडी देन दिस सिस्टम इज ट्राई टू बैक इनटू नॉर्मल कंडीशन बाय डिक्रीजिंग। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है कि हमारी इंटरनल बॉडी में जो भी इंक्रीज हुआ है तो होम्योस्टेटस के थ्रू जो भी कंडीशन हुई है उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में फीवर हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तब ये स्किन हीट होगी। स्किन हीट होगी तो सेंस जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है, मतलब ब्रेन की तरह, ब्रेन होता है कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है और ये टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर ये इफेक्टर्स की तरह काम करते हैं। ये हाइपोथैलेमस जो होगा वो आउटपुट देगा TRC को, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर को। तो यहाँ से जो स्टिमुलस आएगा वो यहाँ पर इस जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था उसको रोक के यहाँ पर स्वेट ग्लैंड को इंक्रीज करेगा, हाथ से स्वेटिंग होगी बहुत तेज़ी से और बाय कूलिंग के थ्रू हमारा जो फीवर था वो कम हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर जो था बढ़ा हुआ था वो घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था हमारा फीडबैक सिस्टम, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करा सकें। और जो भी हमने सब्जेक्ट करा दिए हैं फर्स्ट एक एक यूनिट, उन सब के नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे अपने चैनल पे ऑलराउंडर फार्मेसी पे। थैंक यू।